नमस्कार, मैं अमल पुष्प पांडे आपको नए साल का 2021 का राशिफल के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका मेष राशि है। मेष राशि में थोड़ा उतार चढ़ाव नए साल में रहेंगे, पारिवारिक उलझन होगा और आपसी कुछ मतभेद हो सकते हैं और प्रवासी जीवन भी व्यतीत हो सकता है और कुछ कोर्ट कचहरी का मामला में विलम्ब होगा। इसके लिए चाहिए कि कम से कम रुद्राभिषेक पूजन करें और अपने से बड़ों का आदर सत्कार करें और विशेष कार्य सफलता के लिए किसी तीर्थ स्थान पर दान पुण्य का करके लोगों का अभिवंदन करें। सब कार्य संपन्न आपका सुखी संपन्न रहेगा। यह करने के लिए विशेष रूप से कोई भी उलझन अगर आता है तो उस उलझन का निवारण करने के लिए किसी ज्योतिर्लिंग मंदिर में जा कर के भगवान का पूजन अर्चना करें। वृष राशि वालों लोगों के लिए यह वर्षमान शुभदायक रहेगा। कहीं आने जाने की स्थिति बनेगी, कोई भी कार्य संपन्न हो सकता है। कुछ कहीं बिजनेस क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना ध्यान दिए बिना बिजनेस क्षेत्र में हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आपको घाटा का सामना करना पड़ सकता है। विवाह संबंधी कुछ वैवाहिक जीवन जिनका है उनको कटुता का सामना करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना ज़्यादा है। लोगों में कार्य क्षेत्र करने की क्षमता के अनुसार उनको उस अनुसार फल इस बार नहीं मिल रहा है। कहीं सट्टा आय बिजनेस करने के लिए यह वर्ष उत्तम नहीं है, इसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए और बृहस्पति विष्णु भगवान का पूजन दान पुण्य करने से आपका अच्छा समय व्यतीत हो सकता है। विवाह क्षेत्र के लिए जो अविवाहित हैं उनके लिए इस साल का योग अच्छा रहेगा। वो कार्य को अच्छी तरह से संपन्न कर पाएंगे और कहीं भी खरीद बिक्री, घर द्वार या जगह जमीन खरीद बिक्री करना चाहते हैं उनके लिए यह वर्ष भी उत्तम रहेगा। सब का सफलता करने के लिए उनको महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप पूजन प्रतिष्ठित मंदिर में करें तो उनका निवारण होगा। उनको हर कार्य में विजय का भी प्राप्ति होगा और विश्ववासी वाले लोग के लिए खास करके यह एक नया आता है कि वो जो भी सोचे हैं, जो काम करना चाहते हैं उसमें विलम्ब तो है लेकिन उनका प्राप्ति उनको प्राप्त होगा और उनका सब कार्य भी सफल होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष कष्टमय रहेगा, इसलिए कि इस साल आपका शनि कढ़ैया के दशा में आप हैं। शनि की दशा कढ़ैया में आपको तरह तरह की परेशानियां आपको घेरेंगी। लोग आपके ऊपर कष्ट देना चाहेंगे और कहीं भी अगर आप कोई पूंजी या कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो न करें। इसलिए शनि की दशा में ढैया में है, मेहनत करके भी आपको उचित फल का प्राप्ति नहीं होगा। पारिवारिक में आपसी मतभेद होगा, बिना सोचे विचारे लोग आपको बोल देंगे और कहीं भी कोई काम के लिए जाते हैं तो उस काम के लिए आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए शनि कढ़ैया का दशा में आपको नियमित रूप से पीपल का वृक्ष में तिल और गुड़ डालकर जल दें, शनि देव की आराधना करें, शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें तो ही आपका अच्छा काम बन सकता है। अन्यथा आपका कहीं सट्टा लॉटरी या बिजनेस क्षेत्र में भी किया हुआ कार्य से सफलता आपको नहीं होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि शत्रु आपसे पराजित ही रहेंगे, शत्रु आपसे आगे नहीं निकल पाएंगे, शत्रु पराजित होंगे। लेकिन इस सब के लिए निवारण करने के लिए आपको हर तरह से शनि देव की आराधना इस वर्ष आपके लिए मंगलमय कर सकते हैं। इसलिए उन्हीं के पास आप उन्हीं का ध्यान करें, उनका यंत्र का पूजन करें, धारण करें और खास करके काली गाय को गुड़ और तिल प्रत्येक शनिवार को खिलाएं तो इससे आपका आने वाला जीवन आनंदमय होगा और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। कर्क राशि के लिए इस बार विशेष लाभ का आपको प्राप्त होगा। 2021 में आपके लिए कर्क राशि के जितने भी लोग हैं उन लोगों को खुशखबरी है कि इस बार जितना भी उनका काम रुका हुआ है वो सब कार्य संपन्न होंगे।
उनको विशेष तरह का लाभ होगा। उनका इस बार योग घर जगह जमीन खरीदने का, वाहन तक भी खरीदने का बहुत अच्छा योग है। इस बार वो अच्छे काम करेंगे और उनको परेशानियां उदर संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती है, जैसे पाचन शक्ति न हो, वो खाना खाएं और उनको पचे नहीं, ऐसा स्थिति बन सकती है। इसलिए पाचन शक्ति के लिए उनको विशेष रूप से राहु का पूजन अवश्य करना चाहिए। और ख़ास करके इस बार आपके ऊपर सूर्य की दशा बहुत अच्छी है, आप अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छा तरक्की कर सकते हैं, विशेषकर तीर्थ स्थान में भी कहीं आप भ्रमण कर सकते हैं, विशेष लाभ आपको मिलेगा। अपने पारिवारिक जनों में भी आप अच्छे, आपका नाम होगा, लोग आपको तरह तरह का गिफ्ट भी दे सकते हैं। और इस नया साल आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और सिर्फ उदर संबंधी परेशानियां हैं उनको आप दूर करें, उनका नियमित रूप से गुड़ और हल्दी डाल कर के और ख़ास करके विष्णु भगवान को स्नान कराएं, इससे उनका हर तरह से आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त होगा। और कर्क राशि के लिए इस साल बहुत अच्छा और मंगलमय होगा। इस साल सिंह राशि वालों को लिए अच्छी खबर है, उनके माता पिता का जो स्वास्थ्य बहुत दिन से खराब है उनको इस साल उनमें सुधार आएगा, ये अच्छी बात है। और प्रेम की धारा बढ़ेगी, आपसी विवाद चल रहा हो अपना परिवार में या अपने पत्नी से भी, तो दोनों का प्रेम का इस बार अच्छा योग बनता है, दोनों का कार्य संपन्न होगा। और विशेष तरह से उनको लाभ दे रहा है सट्टा आय, लॉटरी से विशेष लाभ होगा, धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन किसी निकट जो उनके नज़दीकी हैं उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसमें उनको कष्ट परेशानी ज़्यादा होगा, इसके लिए वो ध्यान केंद्रित करें। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मामला फंसा है तो उसमें उनको विजय का प्राप्ति होगा। और कहीं जाने आने का स्थिति भी बन सकता है। और इस राशि वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए कि वो थोड़ा जिद होने के कारण कुछ काम में विलम्ब होता है, इसलिए वो अपने जिद को कम करने के लिए तो एक चांदी का मढ़ा हुआ 8.5 रत्ती का मोती दाहिना हाथ के सबसे छोटी उंगली में धारण करें। और इस तरह से करने से, दान पुण्य कर लेने से, विधि विधान पूजन आदि भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा पूजन कर लेने से उनका सब तरह का कल्याण होगा और उनके हर काम विजय की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों के लिए इस बार आपसी जो भाइयों का विवाद चल रहा है ये विवाद इस बार ख़त्म होगा, उनके लिए योग अच्छा है, जगह जमीन खरीदने का भी योग ठीक है। वो आपसी मतभेद के चलते घाटा में जाते हैं, इसलिए आपसी मतभेद वो ना करें। सब कार्य सफलता के लिए उनको हर तरह से भगवान विष्णु का वो ध्यान करें। और सब कार्य विजय प्राप्ति के लिए वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किसी ज्योतिर्लिंग मंदिर में कराएं, इसलिए कि इस राशि से प्राप्त सभी लोगों को कार्य बहुत विलम्ब होता है। विलम्ब होने का कारण है कि वो अपना कार्य करने के लिए उचित समय पर वो तैयार नहीं रहते हैं। उचित समय पर वो तैयार करें, उचित समय पर पूजन पाठ करें तो उनका भी विजय प्राप्ति होगा। और शत्रु थोड़ा परेशान करेंगे, शत्रु उनको हमेशा जलन की भावना रखते हैं, तो शत्रु से बचाव करने के लिए आप काली गाय को पूजन करें, काली गाय को गुड़ और काला तिल खिलाएँ। और हर प्रत्येक सोमवार के सोमवार शंकर भगवान का उपासना और रुद्राभिषेक पूजा करें तो आपको इस राशि वालों के लिए विशेष लाभ होगा। और हर तरह से कष्ट का निवारण करने के लिए आपको प्रत्येक शनिवार के शनिवार शनिदेव की आराधना पूजन करें तो आपका मंगलमय होगा। 3-12 तीसरा महीना, 12वां महीना और 8वां और 12वां महीना आपके लिए कष्टदायी रहेगा। इससे विशेष कोई ज्योतिषी परामर्श या ब्राह्मण से आप परामर्श लें और विधि अनुसार कार्य करें तो आपका कार्य संपन्न होगा। तुला राशि वालों के लिए इस साल शनि कढ़ैया की दशा है, आपसी परिवार में मतभेद होगा, भाई बहन का जो प्रेम है उसमें भी दरार आएंगे,
हर तरह का कष्ट उनको इस साल झेलना पड़ेगा। जो कार्य वो सोचते हैं कि जल्दी हो, उस काम में उनको विलम्ब होगा, धीमी गति से कार्य होगा। अपने बच्चों से जो वो इच्छाएं रखती हैं, वो इच्छाएं इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए उनको अगले वर्ष तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और इन सबों का निवारण के लिए हनुमान जी की आराधना वो जरूर करें और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। और जो उनका कोर्ट कचहरी का भी का जो मामला है, इस मामला में भी स्थिरता रहेगी। इसमें ना कोई उतार होगा ना चढ़ाव होगा, वो जस के तस वो कार्य धीमी गति से ही पड़ा रहेगा। वो जितना चाह रहे हैं कि हमको ये फल का प्राप्ति हो, उनको इस साल उतना फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शनि की दशा है। शनि की दशा का निवारण के लिए उस शनि यंत्र का वो पूजा करें और माथे पर काले टीका लगाएं और एक नारियल काला कपड़ा में लपेट करके निहूँच करके और वो नदी में प्रवाहित करें। इससे उनकी दशा है जो गुस्सा अधिक आ जाने के कारण वो अपने काम को ही बिगाड़ देते हैं, इसलिए उस कार्य को संपन्न करने के लिए शनि देव की आराधना करें। इनका 8वां महीना 12वां महीना कष्टदायी रहेगा, इसलिए इस समय ये उचित परामर्श लें और इस विधि पूजन करने से उनका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सामान्य शुभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो उनका मन में पहले से जो कार्य सोच रहे हैं, उस कार्य को इस बार वो संपन्न कर लेंगे। जो कार्य है वो कार्य इनके अपने के सहयोगी से जो इन बड़े पद पर हैं उनसे अगर इनका तालमेल बैठता है तो इससे उनको सफलता जल्दी मिलेगी। उनका वो राय विचार करने से ही उनका सब कार्य जल्दी संपन्न होगा। इस साल उनके लिए विशेष लाभ का स्थिति दे रहा है कि हर काम करने के लिए उनको नियमित रूप से सूर्यवान को जल दें और अपने जो सहयोगी हैं उनका भी वो मदद करें। सहयोगी के मदद से इनका कार्य बहुत जल्दी संपन्न होगा। कुछ अधिकारी लोग हैं जो थोड़ा परेशान करेंगे, लेकिन उनसे तालमेल बैठाए रखने से इनका कार्य सफल भी होगा। इनका 2, 7 और 9वां महीना कष्टदायी रहेगा। इस समय चाहिए कि ये विशेष रूप से भगवान कृष्ण का पूजन करें। भगवान कृष्ण के मंदिर जाएं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, मोर का पंख चढ़ाएं और एक रुद्राक्ष माला का ये धारण करें। अगर पचमुखी रुद्राक्ष मिले तो उस रुद्राक्ष को सोमवार को गंगा जल से धोकर करके और महामृत्युंजय मंत्र से प्रतिष्ठित करके उनको वो धारण करें। यह माला धारण करने से उनको विशेष रूप से लाभ होगा, दुश्मन जो हैं वो कम होगा, सब कार्य भी इनका संपन्न होगा। और ख़ास करके जब ये कहीं जाते हैं तो अच्छे बात लेके जाते हैं, लेकिन वो कार्य इनका बनता नहीं है, इसलिए अच्छा कार्य बनने की आवश्यकता के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर ये जल, गुड़, भांग, धतूरा आदि चढ़ावें तो इनका कार्य सफल निश्चित रूप से होगा। धनु राशि वालों के लिए इस साल शनि के 7.5 का प्रभाव विशेष रूप से रहेगा। आपसी मतभेद होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा, खाने पीने पर वो परहेज करें, जिससे भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन भाई बहनों का जो सुधार है वो विशेष रूप से रहेगा। इनका कार्य कठिन से होगा, विलम्ब से होगा। ये क्रय विक्रय भी एक चाहते हैं करना, घर जगह जमीन का, तो न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए इस साल शनि का अंतर्दशा से भी ये परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ये ध्यान दें, मन भटक सकता है, कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। इनको 7वां महीना 11वां 12वां महीना कष्टदायी रहेगा, इसलिए शनि की दशा से इनका कार्य बिल्कुल रूप से विलम्ब होगा। चाह करके भी अच्छा काम ये नहीं कर पाएंगे, कहीं जाएंगे तो इनका काम नहीं बनेगा। इनका कार्य बहुत कष्ट इस बार दे रहा है, इसलिए इस राशि वालों के लिए चाहिए कि वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, गंगा स्नान करें, कोई तीर्थ धाम पर ये स्नान करें और तीर्थ ज्योतिर्लिंग पर ये भगवान का रुद्राभिषेक करें और ख़ास करके शनि देव का आराधना करें और पीपल वृक्ष का फेरी दें, पूजन करें। और जो अविवाहित हैं,
चाहे पुरुष हो, तो उनके लिए भी विधि विधान है कि वो नियमित रूप से पीपल वृक्ष में जल दें। युवतियाँ जो हैं, लड़कियों लोग को चाहिए कि इस राशि वाले लोग जो हैं उनको विशेष रूप से शंकर भगवान की आराधना करें और राहु केतु का वो पूजन करें, राहु केतु को संपन्न करें, और वो संपन्न करने के बाद उनका विशेष लाभ मिलेगा और उनका सब कार्य सफल होगा। बिना सोचे विचारे वो इस साल अगर वो काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर बिना सोचे विचारे कोई काम वो कर लेते हैं तो उनको धोखा होगा और उनको परिवारजनों से भी परेशानी मिलेगी। इसी शनि की दशा है, आप थोड़ा संभल के चलें तो आपका सब रास्ता आसान होगा। मकर राशि वालों के लिए भी ये साल शनि के सारे साथी का प्रभाव रहेगा, आपसी मतभेद होगा, कार्य विलंब से होगा, मानसिक तनाव में रहेंगे, कार्य चाह कर भी उनका सफल नहीं होगा, और अगर पति पत्नी मतभेद है तो वो भी आगे की ओर बढ़ेगा, उसमें भी उनको शांति की संभावना नहीं है। लेकिन इस बीच में कुछ अच्छे मांगलिक कार्य हो सकते हैं, अगर वो नौकरी करते हैं तो उनका स्थानांतरण का योग दे रहा है, उनकी स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है, और आपसी मतभेद के चलते कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे, विशेष रूप से वो जो सोचे हुए कार्य करना चाहते हैं वो संपन्न नहीं होगा, क्योंकि शनि के सारे साथी में हैं, वो सरसाती के वजह से उनका ध्यान केंद्रित नहीं होगा, परेशानी ज़्यादा होंगे, हर तरह से आना जाना अधिक होगा लेकिन लाभ कम होगा। विशेष तौर पर उनको चाहिए कि वो गाय को दूब का घास खिलाएं, काले तिल का लड्डू वो दान करें या काले तिल का लड्डू वो प्रवाहित करें, और अपने आप को वो भगवान की सेवा में पूजन पाठ करें, अन्यथा उनका भी कार्य बिगड़ सकता है। अगर ये कार्य की विजय प्राप्ति चाहते हैं तो प्रत्येक मंगल और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ वो पढ़ें और हनुमान जी की आराधना करें। कुंभ राशि वालों के लिए भी इस बार शनि के सारे साथी का प्रभाव होगा, आपसी मतभेद होगा, भौतिक सुख साधनों के लिए उनको अधिक खर्च करना पड़ेगा, जब वो खर्च करें तो ही उनको सुख साधन का प्राप्त हो सकता है, और कुछ कोर्ट कचहरी का मामला भी उनका चलेगा। कार्य क्षेत्र उनकी सफलता नहीं होगी, लेकिन कुछ मांगलिक कार्य उस बीच में उनका संपन्न हो सकता है, और इसके लिए वो सब कार्य सफल करने के लिए हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा नित्य पाठ करें, और किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगावें, धूप दीप दिखावें, और भगवान सूर्य की उपासना करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, और अनुष्ठान करने के लिए भगवान को प्रतिदिन दूध दही और गंगा जल से स्नान कराएं, इससे उनका बिगड़ा हुआ सब कार्य सफल हो जाएगा। ये बहुत दयालु हैं, दयालु होने पर भी इनका सब कार्य संपन्न नहीं होता है। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर यह साल, नए साल में शनि का जो दशा है ये विशेष प्रभाव में रहेगा, काम उचित क्षेत्र से प्राप्त हो भी सकता है, बीच में अड़चनें आएंगी। अड़चन आने का कारण है कि आप जाने से पहले एक पान और पांच गुल की दाना लेकर के किसी बाएं तरफ क्षेत्र में अगर रख दें तो आपका कार्य संपन्न होगा। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष सामान्य शुभदायक रहेगा, विरोधियों का आतंक ज़्यादा होगा, विरोधी परेशान ज़्यादा करेंगे, इसी बीच में कुछ आपका मांगलिक कार्य भी संपन्न होगा, कुछ आपके हिस्सेदारी के लोग आपस में लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें अस्थिरता के कारण, अच्छी समझदारी के कारण वो समझ जाएंगे जिनका जो चीज़ वो मिलना चाहिए इससे उनको प्राप्त होगा। व्यापार क्षेत्र भी उतार चढ़ाव रहेगा, व्यापार क्षेत्र में आपका भी फल प्राप्त होगा, उचित उसमें मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। मीन राशि वालों के लिए खास करके सातवां और ग्यारहवां महीना बहुत कष्टदायक रहेगा, इसलिए इसमें उनको कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच कुछ आपसी बंटवारा का भी मामला चलेगा, जो आपसी बंटवारा आपको चाहिए उसमें विशेष तौर पर लाभ आपको जरूर मिलेगा, इसमें सोचने की बात नहीं है, लेकिन हर कार्य के क्षेत्र के प्राप्ति के लिए आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य पर ध्यान देना अति आवश्यक है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं, जिसके चलते से आपका कार्य संपन्न कष्टदायक होता है, इसलिए विशेष रूप से आप चिंता न करें और सब तरह से हनुमान जी की आराधना करते रहें तो विशेष लाभ होगा, और कोई पवित्र नदी के जल से स्नान करें और उस जल को आप अपने घर में छिड़कें
और दूध दही मद घी आदि मिला करके भगवान शिव जी की आराधना करें, उनको लेप लगाएं, भगवान का आराधना करें। और ब्राह्मणों द्वारा आप विशेष पूजन जैसे अभिषेक रुद्राभिषेक आदि पूजन करावें तो आपका विशेष तौर पर लाभ होगा। इसके साथ बस इतना ही इस वीडियो में दिया गया है। धन्यवाद।